नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। अब तक जो मेडिकल स्टाफ कोरोना पीड़ितों की मदद करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वो अब खुद इस रोग से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में दिल्ली में पहली बार बड़ी संख्या में मेडिकल कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। सर गंगाराम अस्पताल के 108 मेडिकल कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मी शामिल हैं। इनमें से 23 लोगों को अस्पताल में ही क्वारंटाइन किया गया, वहीं 85 लोगों को उनके घरों में क्वारंटाइन होने को कहा गया है। अस्पताल ने यह फैसला यहां भर्ती दो मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया है। अब दोनों मरीजों को आरएमएल अस्पताल भेज दिया गया है। यह दोनों ही निजामुद्दीन मरकज से गंगाराम अस्पताल लाए गए थे। शुक्रवार देर रात महाराजा अग्रसेन अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण अस्पताल के ही आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। वहीं डॉक्टर और मृतक मरीज के संपर्क में आए अस्पताल के अन्य स्टाफ को भी होम क्वारंटाइन किया गया। वाकई ये सब डराने वाला है, क्योंकि इस समय कोरोना के सामने कोई योद्धा बनकर खड़े हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि मेडिकल स्टाफ ही है। इनमें डॉक्टर, नर्स और वो तमाम लोगों ने कोरोना को इस जंग में हराने के लिए दिन रात एक कर दिया है। धन्यवाद।